अम्बाला में स्ट्रीट डॉग्स से होने वाली दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती तादाद चिंता का कारण बनी हुई है। स्ट्रीट डॉग्स का शिकार भी लगातार लोग हो रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स के बाइक सवारों के पीछे भागने से भी कई हादसे हो चुके हैं। बावजूद इन सब के नगर निगम ने इस समस्या की तरफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। लोगों का कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स की तादाद अम्बाला में बहुत ज्यादा है। स्ट्रीट डॉग्स बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं सबको निशाना बना रहे हैं। लोगों को सैर तक करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अम्बाला नगर निगम के पास भी स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद निगम ने टेंडर किया है जिसमें ठेकेदार 1350 रुपए में एक डॉग पकड़कर उसकी नसबंदी करेगा, जिससे स्ट्रीट डॉग्स की तादाद कम हो सकेगी। स्ट्रीट डॉग्स पकड़ने के काम में गंभीरता न होने के मामले में निगम पार्षद भी सवाल खड़े कर चुके हैं। इससे पहले यह ठेका 950 रुपए के करीब था, लेकिन ठेका बढ़ाकर देने पर भी काम सही से न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्षदों ने इम्प्लीमेंटेशन बैठक में ठेकेदार की पेमेंट न करने की मांग रख दी है। वहीं नगर निगम के अधिकारी भी मान रहे हैं कि ठेकेदार का काम धीमा है, जिसको लेकर तेजी से काम करने के आदेश दिए गए हैं। स्ट्रीट डॉग की समस्या एक अम्बाला की विकट समस्या है, जिसके कारण आम लोग और बच्चे, खासकर बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। पार्कों में स्ट्रीट डॉग्स ने अपने घर बनाए हुए हैं, जहां बच्चों को खेलने में बहुत दिक्कत हो रही है, और इनके कारण कहीं एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। गाड़ियों के पीछे भागते हैं, ये खुद भी मरते हैं। अब सुना है अभी नगर निगम इनके स्टरलाइजेशन के लिए कुछ कार्य कर रहा है, तो मैं तो ये कहूंगा ये कार्य जल्दी से जल्दी किया जाए, और अम्बाला में एक स्ट्रीट डॉग्स के लिए शेल्टर होम भी होना चाहिए, जहां इनको रखा जाए और इनको दोबारा ना छोड़ा जाए। बिल्कुल सर, जब आप मॉर्निंग वॉक पे निकले तो बहुत परेशानी आ रही है स्ट्रीट डॉग की वजह से। बुजुर्गों को भी आ रही, जो भी वॉक पे निकल रहे हैं उनके झुंड के झुंड खड़े हैं आगे, और कभी भी ये किसी को बाइट कर जाते हैं। तो सरकार को और नगर निगम को ये जरूर सोचना चाहिए कि शहर में इनके लिए कुछ अलग, कोई इनको अलग जगह पे इनको जगह दी जानी चाहिए, ताकि आम पब्लिक इससे परेशान ना हो सके। जब मैं देवेंद्र धमीजा इंदर नगर से बिलोंग करता हूँ, हम सुबह जब सैर करने जाते हैं हर्बल पार्क की तरफ, तो रास्ते में कई कुत्तों में झुंड मिलते हैं, जो लोगों पे भौंकते हैं और जो आने जाने वाले व्हीकल पे भी वो भी भौंकते हैं, और एक दो जगह देखा मैंने डर के बंदा गिर भी गए हैं। और नगर निगम से ये प्रार्थना है कि ये जो डॉग का जो मिलांस है, इसकी जो स्टरलाइजेशन का जो प्रोग्राम शुरू, हमने सुना है कि शुरू करेंगे, उसकी प्रक्रिया को जरा जल्दी से करवाया जाए, ताकि लोगों को परेशानी कम से कम। इनकी नशबंदी के लिए हमने टेंडर कर दिया, वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है, और इसको पकड़ना भी शुरू कर दिया गया ठेकेदार द्वारा। पकड़ के उनकी नशबंदी करके वापस उनको रिलोकेट नहीं किया जा सकता, रूल के हिसाब से वापस उसी स्थान पर उनको छोड़ा जाना है। जो कि कार्य मैंने आज ही सुबह CSI को बुला के उसकी जानकारी भी ली थी भी कितना स्पीड से, तो मेरे को काम थोड़ा स्लो लगा, तो उसको थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए आदेश दिए गए, तो जल्द ही इसको स्पीड अप किया जाएगा और जल्द ही निजात मिलेगी। किस तरह से ये काम करेगा, कितने जो है डॉग्स को लेकर? ये धूलकोट में इसका सारा सिस्टम रहेगा, जहाँ पे ये ऑपरेट करेगा, और जो उनको रखेगा उनको खाने पीने का देगा, और उसके बाद फिर वहाँ पे जाके डॉक्टर हैं जो वेटरनरी सर्जन हैं या फिर हमारी टीम है जो उसको चेक करेंगे, चेक करके ही ठेकेदार की आगे पेमेंट की जाएगी, और आगे उसी स्थान पे उन कुत्तों को छोड़ना भी उसी की जिम्मेवारी होगी जहाँ से उनको उठाया गया है। कुछ जो खतरनाक जो कुत्ते होते हैं उनको हम थोड़ा टॉप प्रायोरिटी पे लेंगे, अदरवाइज हमने एक शेड्यूल तैयार किया कि इस एरिया में से होते हुए, क्योंकि बहुत सारे शहर में नहीं है, कुछ एरिया में ज्यादा है, उन एरिया पे हमारा फोकस रहेगा, और इस तरीके से हम इसको